दोस्तों सीधी बात, नो बकवास, अगर आपके पास Realme का 12 Pro या 12 Pro Plus मोबाइल है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि तीन फायदे अपफ्रंट होने वाले हैं आपको इस वीडियो के बाद आपके मोबाइल में। जो सबसे बड़ा फायदा वो ये है कि आपका Realme फोन जो है बिल्कुल मक्खन की तरह लैग फ्री चलेगा, रॉकेट की तरह फास्ट हो जाएगा, और इस फोन के प्राइवेसी में बिल्कुल प्रोटेक्शन ऐड हो जाएगा, यानी कि कोई भी थर्ड पार्टी किसी भी ऐप के थ्रू या फिर मैलवेयर या ब्लॉटवेयर के थ्रू आपके फोन पर किसी भी तरह का एक्सेस नहीं कर पाएगा और हैकिंग तो बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा वही है कि आपका मोबाइल का बैटरी ड्रेन पूरी तरह से बंद हो जाएगा, और अननेसेसरली अगर आपको लगता है कि आपका बैटरी खत्म हो रहा है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, बैटरी बैकअप एक दिन से बढ़कर डेढ़ दिन से दो दिन हो जाएगा, ये गारंटीड है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु, और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक ऐसे सेटिंग से जो आपके प्राइवेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मोबाइल सपोज कीजिए लॉक रहता है, आप ऑफिस में रहते हैं या घर में रहते हैं, अनलॉक करने की कोई कोशिश करता है, ऊपर से नीचे स्वाइप करता है तो दिखता है ये कि आपका क्विक टॉगल वो एक्सेस कर पा रहा है। मतलब बिल्कुल क्लियर है कि क्विक टॉगल में अगर वो पर्सनल हॉटस्पॉट ऑन करना चाहे तो देखिए ऑन भी कर लेता है, यानी आपका 5G डेटा वो फ्री में यूज कर सकता है और आपको पता भी नहीं है, जबकि आपने मोबाइल लॉक करके आप कहीं बाहर गए थे। वो लोकेशन ऑन कर सकता है, आपका डेटा ऑन कर सकता है, फ्री में किसी को 5G डेटा मिले तो किसको बुरा लगेगा दोस्तों। मगर ये कितना खतरनाक सेटिंग है जो इनेबल्ड है आप नहीं जानते हैं, आपके प्राइवेसी पे दिन दहाड़े डाका डाला जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कोई ना कर सके तो आप क्या करेंगे? तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल के अंदर जाना होगा, सेटिंग्स में जाना होगा, थोड़ा नीचे आएंगे तो नोटिफिकेशन स्टेटस बार में जाएंगे, इसमें लॉक स्क्रीन में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे स्वाइप डाउन लॉक स्क्रीन टू व्यू नोटिफिकेशन ड्रॉअर, इसको बस आपको डिसेबल कर देना है। और सिर्फ ये नहीं, एक और सेटिंग है जिसको आपको डिसेबल करना है, वेक स्क्रीन विन नोटिफिकेशन, सिर्फ आप नहीं चाहते हैं कि कोई भी आपको नोटिफिकेशन देखे जब भी आपके मोबाइल में है और स्क्रीन जो है वेकअप हो जाए। तो अब देखेंगे कि जादू होगा, आप लॉक स्क्रीन करके जाएंगे ऑब्वियसली कहीं भी, अब आपका दोस्त चाहेगा कि जल्दी से अनलॉक करें, मगर अनलॉक तो वो नहीं कर पाएगा, मगर ऊपर नीचे स्वाइप करने का कोशिश जरूर करेगा, और कोशिश करेगा तो देखेगा कि अरे ये क्या, ये तो हो ही नहीं पा रहा है, कल हो रहा था आज नहीं हो रहा है। तो वो समझ जाएगा कि आपने अपने प्राइवेसी के लिए बिल्कुल खतरा बंद कर दिया है, कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता, ऐसा प्राइवेसी को आपने इंटैक्ट कर लिया है। और अगर वो पूछे कि आप ऐसा कैसे कर लेते हैं तो जरूर बताइएगा कि मैजिकल टेक गुरु का सब्सक्राइबर है और वहां से आप ऐसे ऐसे हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स और वेरियस फीचर्स को जानते रहते हैं। इसके बाद आपको लगता है कि आपको अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करना है, तो आप क्या करते हैं कि पावर बटन को दबा के रखते हैं और देखते हैं कि पावर मेन्यू तो नहीं आ रहा है, मगर कुछ ऐसा अजीब सा आ रहा है जो आपको लगता है कि ये क्या हो गया। फिर आपको अजीब लगता है कि ये सेटिंग को भी आपको चेंज करना है, तो ऑब्वियसली आपको सेटिंग्स में जाना है, नीचे एडिशनल सेटिंग्स में जाना है और यहां पर आप पावर बटन में देखेंगे कि जो भी ऑप्शन यहां पर है उसको हटाकर आपको पावर मेन्यू कर देना है। चमत्कार तो होना ही है दोस्तों, अब आप पावर बटन को दबाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका पावर मेन्यू ही आता है, यानी आप रीस्टार्ट कर सकते हैं, पावर ऑफ कर सकते हैं। अब यहां भी एक प्राइवेसी का बहुत बड़ा चेंज है दोस्तों, आप देखेंगे कि आपका मोबाइल आप लॉक करके जाते हैं, आप ऑफिस में हैं, आप वॉशरूम जा सकते हैं, आप घर में, आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी दोस्त आपका शरारत करने का सोचता है, वो क्या सोचता है कि अगर लॉक है स्क्रीन तो पावर ऑफ हो सकता है कि नहीं हो सकता, आपको दिखाने के लिए। और आप देखते हैं कि अरे ये क्या, पावर ऑफ हो सकता है, और वो बार बार आपका पावर ऑफ कर देता है, रीस्टार्ट कर देता है, और आपको लगता है आपका मोबाइल तो खराब हो चुका है, बार बार ये पावर ऑफ हो जाता है, बार बार रीस्टार्ट हो जाता है। तो इसको अगर बंद करना हो, यानी कि पावर ऑफ कोई भी ना कर सके आपका लॉक स्क्रीन में भी, तो आप क्या करेंगे? तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो आप सेटिंग्स में जाएंगे और यहां पर सर्च करेंगे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी को, इसमें जाएंगे। इसके बाद आप यहां पर देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है मोर सिक्योरिटी प्राइवेसी का, और इसमें आप देखेंगे रिक्वायर पासवर्ड टू पावर ऑफ, इसको बस यहां से आपको इनेबल कर लेना है। ऑब्वियसली ये आपसे पूछेगा पासवर्ड, क्योंकि आपको ये बताना होगा कि आप ही इस मोबाइल को ओनर हैं, और जैसे ही आप ऐसा दे देंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये ऑप्शन जो है इनेबल हो जाता है। तो अब अगेन क्या होगा कि मोबाइल होगा आपका लॉक और आप अगेन जाएंगे कहीं वॉशरूम, ऑफिस में या घर में कहीं रहेंगे, आपका फिर वही शरारती दोस्त आएगा, सोचेगा कि जल्दी से पावर ऑफ कर देते हैं और आपको बेवकूफ बनाते हैं। कोशिश तो वो करेगा, क्या करेगा, वो पावर ऑफ करने की कोशिश करेगा, मगर ये मांग लेगा पासवर्ड वेरीफाई करने के लिए और वो दे नहीं पाएगा, और इस बार आपका पावर ऑफ नहीं होगा आप मोबाइल। और अब तक वो आपका मजा ले रहा था, अब आप उसके मजे ले सकते हैं, ये आकर बोल कर कि भैया पावर ऑफ किए कि नहीं किए। फिर वो बोलेगा कि यार ऐसा ऐसा सेटिंग कैसे जान लेते हो, तो बताना मत भूलिएगा कि आप मैजिकल टेक गुरु के सब्सक्राइबर हैं, उसको भी सब्सक्राइब करवाइएगा ताकि वो भी अपने मोबाइल का प्रो यूजर बन जाए, और ये गारंटीड है। अब मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में ही आप देखेंगे ऊपर में ऐप कंटेंट है, जो यहाँ पर लिखा हुआ कि अलाउ एप्स टू सेंड कंटेंट टू द सिस्टम। अब देखिए ये कितना खतरनाक है, एप्स को ये अलाउ किया हुआ है कि वो कंटेंट भेज सकता है सिस्टम को, जो बिल्कुल भी आपको अलाउ नहीं करना है, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि क्या कंटेंट जा रहा है, किस तरह का कंटेंट जा रहा है, और कि आप जानते थे कि आपके मोबाइल से कोई कंटेंट जा भी रहा है, और वो इसलिए जा रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे कंसेंट दिया हुआ है, इनेबल किया हुआ है। फटाक से इसको डिसेबल कर देना है, क्योंकि आपके जानकारी के बिना कोई भी कंटेंट आपके मोबाइल से बाहर नहीं जा सकता है। इसके बाद आप देखेंगे नीचे यूसेज एंड डायग्नोस्टिक का, अगेन ये ऑन होगा। देखिए दोस्तों, इंप्रूव करना तो बहुत अच्छी बात है, मगर वो इंप्रूव करना चाहते हैं किस कॉस्ट पे, तो आपके मोबाइल के बैटरी के कॉस्ट पे, आपके मोबाइल के परफॉर्मेंस के कॉस्ट के, आपके मोबाइल के प्राइवेसी के कॉस्ट पे, जो आप
आपको बिल्कुल भी नहीं होने देना है। उनको इम्प्रूव करना है तो वो अपने कॉस्ट पे करे, आपके मोबाइल के कॉस्ट पे नहीं करना है, फटाक से डिसेबल कर देना है। क्योंकि अगेन ये क्या कर रहा है, देखिए सेंड कर रहा है डायग्नोस्टिक को, डिवाइस को, ऐप से डेटा को बहुत जगह जो आप नहीं जानते हैं कहां जा रहा है, किस तरह का डेटा जा रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। अब देखिए दोस्तों, मैं सीधी सी बात ही जानता हूं, अगर आपको पैसे मिलते हैं तो आप कर सकते हैं, अपने मोबाइल के साथ कॉम्प्रोमाइज, आपके प्राइवेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज। मुझे तो नहीं मिलते हैं इसलिए मैं तो नहीं करूंगा और किसी को सलाह भी नहीं दूंगा करने का। अब इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो देखेंगे पेमेंट प्रोटेक्शन भी। अब दोस्तों आपके पेमेंट का प्रोटेक्शन कौन कर रहा है, तो ये ऐप कर रहा है। क्यों कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं करने देना है, क्योंकि हर मोबाइल में जो भी पेमेंट ऐप होता है उसका अपना प्रोटेक्शन सिस्टम होता है। तो फटाक से सबसे पहले तो आपको डिसेबल कर देना है, क्योंकि इसको जानना ही नहीं है कि आप किससे पेमेंट कर रहे हैं, कौन सा मोबाइल ऐप यूज कर रहे हैं, कौन सा गेटवे यूज कर रहे हैं। इसको मॉनिटर नहीं करने देना है, क्योंकि ये आपका मॉनिटर क्या क्या कर रहा है आपको पता नहीं, और आपको तो पता भी नहीं था कि आपका पेमेंट मॉनिटर हो रहा है इस तरह से। बहुत रिस्की चीज है दोस्तों, इसको आपको समझना होगा कि आपका प्राइवेसी जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट होना चाहिए, कोई भी परिंदा पड़ नहीं मार सके। बाकी आप खुद समझदार हैं समझने के लिए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर इसमें आप सबसे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऐप पिनिंग भी मिल जाता है, जिसको आपको जरूर से इनेबल करके रखना है, और लॉक स्क्रीन आफ्टर अनपिनिंग भी आप देखेंगे आपको इनेबल कर लेना है अगर ये डिसेबल है तो। अब इसका फायदा क्या है, तो आप अपना मोबाइल देते हैं किसी दोस्त को, सपोज कीजिए फोटो देखने के लिए, और आपका दोस्त निकलता है शाना, वो फोटो तो देखता है मगर साथ में वो आपका व्हाट्सएप भी देख लेता है, वो साथ में आपका बैंकिंग एप्लीकेशन भी देखने की कोशिश करता है कि क्या है क्या नहीं है, और आपको लगता है झटका कि विश्वास का तो जमाना ही नहीं रहा है। तो आपको क्या करना है, स्मार्टली मूव करना है, आपको उस ऐप को पिन कर देना है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देते हैं उसको क्रोम, और आप चाहते हैं कि वो क्रोम में ही रहे, क्रोम से बाहर ना निकले, तो आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे थ्री लाइन्स का रेजिस्टेंस है इसमें जाएंगे, यहाँ पे थ्री डॉट्स का मेनू इसमें जाएंगे, और पिन ऑप्शन पे जाएंगे और पिन कर देंगे, और ओके कर देंगे, ऐप पिन हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपका दोस्त है शाना, उसको लगेगा कि होम बटन पे जाते हैं और जल्दी से उसका फोटो देख लेते हैं, देखेंगे बोलेगा ये अनपिन करना पड़ेगा आपको क्योंकि आपने पिन किया हुआ है। उसको लगेगा हो सकता है कुछ ग्लिच होगा, तो वो रिसेंस में जाकर चेक करेगा, देखेगा कुछ नहीं हो रहा है, बैक जाएगा देखेगा कुछ नहीं हो रहा है, फिर वो सोचेगा कि अरे मैं क्रोम से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा हूं, तो अगेन वो बोलेगा कि भाई बहुत समझदार हो गए हो, कल तक तो मैं तुम्हारे मोबाइल में कुछ भी देख सकता था, आज नहीं देख पा रहा हूं, तो जरूर उसको फिर से बताइएगा मैजिकल टगुरु के आप सब्सक्राइबर हैं, आप प्रो यूजर हैं अपने रियलमी मोबाइल के। और अगर वो भी होना चाहता है तो बिल्कुल हो सकता है, बस सब्सक्राइब कर लेना है हमारे मैजिकल टेक गुरु चैनल को, फिर वो फोन दे देगा आपको। तो आप स्मार्टली क्या करेंगे कि ये रिसेंस और बैक को एक साथ दबाएंगे और देखेंगे ये हो जाता है अनलॉक, बस आपके फिंगरप्रिंट से या फिर आपके फेस से। अब आप अगर होम में जाना चाहें होम में भी जा सकते हैं, रिसेंट में जाना रिसेंट जा सकते हैं, उड़ाना चाहें उड़ा भी सकते हैं। अब वापस से आप सेटिंग्स में जाएंगे, इसके बाद आप सिक्योरिटी प्राइवेसी में जाएंगे, इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको प्राइवेसी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें से और नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको एड्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। कौन चाहता है दोस्तों अपने मोबाइल में एड्स देखना, मैं तो नहीं चाहता हूँ, मुझे पूरा यकीन है आप भी नहीं चाहते हैं, मगर आपने क्या किया हुआ है देखिए, इनेबल डिबग लॉगिंग फॉर एड्स, आपको फटाक से पहले तो डिसेबल कर देना है, क्योंकि आपको क्यों इनेबल करना है डिबग लॉगिंग एड्स के लिए। और वो क्या कर रहा है देखिए, इंस्ट्रक्ट एप्स टू राइट एड्स डिबगिंग इन्फॉर्मेशन। अब अगेन आप क्या कर रहे हैं, डिबगिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको भेज रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन है पता नहीं, कितना लेवल तक इन्फॉर्मेशन है पता नहीं, मगर आपने ऑन किया है तो वो भेज रहा है। प्रो यूजर बनना है दोस्तों आपको, फटाक से इसको डिसेबल करना है और डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी भी कर देना है। जब एडवर्टाइजिंग आईडी ही नहीं रहेगा तो आपको एड कहां से मिलेगा, और आपको मोबाइल में एड लेना भी नहीं है। अब इसी में अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है शो पासवर्ड का, जो हमेशा इनेबल होता है, क्यों होता है पता नहीं, पहले तो डिसेबल कीजिए इसलिए, क्योंकि पासवर्ड आपको क्यों दिखाना है टाइप करते वक्त किसी को भी, अगर वो देखेगा तभी तो गेस करेगा ना कि हाँ ए है बी है सी है एक्स है वही है जेड है। जब पासवर्ड दिखेगा नहीं तो वो गेस क्या करेगा, और वो गेस नहीं करेगा तो आपका पासवर्ड कभी लीक भी नहीं होगा, यानी प्राइवेसी पे बिल्कुल आपको इंटैक्ट रहेगा। फिर इसमें आप नीचे आएंगे तो एक्टिविटी कंट्रोल है, अगेन खतरनाक फीचर है दोस्तों। देखिए लोड करने में कितना समय लग रहा है, यानी कितना डेटा है और कितना खतरनाक डेटा है जो इनेबल होता है बाय डिफॉल्ट। आप देखते हैं वेब एंड एक्टिविटी बाय डिफॉल्ट ऑन होता है, बिल्कुल भी ऑन नहीं रखना है क्योंकि वो आपके वेब एंड ऐप एक्टिविटी को अगेन भेजते रहता है सर्वर पे। जैसे एग्जांपल के लिए आप यहां पर देख सकते हैं लोकेशन है, सर्चेज है वगैरह वगैरह, आपको ये बिल्कुल भी नहीं देना है। सबसे पहले तो टर्न ऑफ करना है, टर्न ऑफ करने के लिए बोलेगा एक स्टेप में टर्न ऑफ करना है, बिल्कुल एक स्टेप में ही करना है, गॉट इट कर देना है, और आप देख सकते हैं कि ये टर्न ऑफ हो चुका है। तो आपका कोई भी एक्टिविटी क्यों लगातार वो सेव करते रहे अपने सर्वर पर 24/7। देखिए एकदम सीधी बात, यानी 24/7 अगर कोई भी काम आपके मोबाइल में हो रहा है तो वो आपका बैटरी चूस रहा है, आपके मोबाइल को गर्म कर रहा है। और आपका शिकायत क्या रहता है कि यार मोबाइल गर्म होते रहता है, बैटरी चूसाते रहता है, ऐसा कैसे होता है? इसलिए होता है क्योंकि 24/7 आपने ही परमिशन दिया हुआ है। अब देखिए आपने लोकेशन हिस्ट्री को परमिशन दिया हुआ है, अब लोकेशन बार बार सेव हो रहा है। अब भला लोकेशन आपको बार बार क्यों सेव करवाना है? आप 12 महीने में 10 महीने जो है घर पे रहते हैं, नेटिव पर रहते हैं, 2 महीने घूमते हैं, उस समय इनेबल कर लीजिए ताकि लोकेशन हिस्ट्री रहे, आप आगे आके देख सके फ्यूचर में कि आप कहां कहां घूमते थे। मगर 10 महीने तक लेकर आपका जो बैटरी चूस रहा है वो आपको क्यों करने देना है? टर्न ऑफ कर देना है, एक स्टेप में फटाक से गॉट इट कर देना है। अब इसी में अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि पर्सनल
पर्सनलाइज एड्स है जो अगेन ऑन होगा, इसको भी आपको सबसे पहले टर्न ऑफ करना है। उसके लिए कुछ नहीं करना है, पर्सनलाइज एड्स ऑन होगा यहाँ पे क्लिक कर देना है, टर्न ऑफ कर देना है। और टर्न ऑफ जैसे ही होगा तो ये बोलेगा कि गॉट इट हो चुका है। अब आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका पर्सनलाइज एड जो है वो टर्न ऑफ हो चुका है। दोस्तों कोई रॉकेट साइंस नहीं समझना कि अगर पर्सनलाइज एड जो है ऑफ हो चुका है तो आपको एड जो है कम मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली कितना एड आपको मिलता था वो डिसाइड कौन करता है, तो आपका पब्लिशर करता है, क्योंकि वो आपको एड भेजता है। क्यों एड भेजता है? क्योंकि आपने पर्सनलाइज एड्स को इनेबल किया था, उसको पता है कि आपका क्या क्या चॉइसेस है, आपका क्या क्या हॉबीज है। तो दोस्तों कल तक वो आपके मजे ले रहा था आपको एड भेज भेज के, आज इसको ऑफ कर दीजिए, अब आप उसके मजे ले सकते हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा कि आपका पर्सनलाइज चॉइस क्या है, आपका रिक्वेस्ट क्या है। तो इस तरह से आप अनवांटेड एड से छुटकारा पा लेंगे अपने रियलमी डिवाइस में। अब दोस्तों आइए कुछ बैटरी का सेटिंग देख लेते हैं कि कमाल का सेटिंग आपको रियलमी डिवाइस में मिल जाता है। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, बैटरी में जाना है, सबसे पहले तो बैटरी हेल्थ में जाना है। और ब्रांड न्यू डिवाइस है दोस्तों, तो ऑब्वियसली बैटरी कैपेसिटी 100% होना ही, अगर आपको 99% भी है तो फेंकिए उसको जहां से आपने परचेज किया, चाहे डीलर हो चाहे अमेजन हो फ्लिपकार्ट हो। ब्रांड न्यू फोन का मतलब है कि 100% मैक्सिमम कैपेसिटी होना ही चाहिए, यानी कि आपका बैटरी जो है बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है। इसके बाद बैटरी का लाइफ को आपको बढ़ाना है तो ऑब्वियसली स्मार्ट चार्जिंग को इनेबल कर देना है, ताकि आपका बैटरी का एजिंग को वो बिल्कुल कम कर दे। इंटेलिजेंट सर्विसेज जो है उसका लर्न करता है आपके चार्जिंग हैबिट को और आपके चार्जिंग पैटर्न को बिल्कुल समझ लेता है, जिससे वो स्मार्ट चार्जिंग करता है और आपका बैटरी का लाइफ बढ़ता है। बैटरी का लाइफ बढ़ेगा तो आपका मोबाइल का लाइफ बढ़ेगा और बैटरी गर्म भी नहीं होगा। मगर आपको लगता है कि उससे ज्यादा फायदा है 80% चार्ज करके स्टॉप कर देने, क्योंकि रात में हम सभी लोगों को आदत होता है अपने मोबाइल को चार्ज करने का। 80% 100% ओवर चार्ज होते रहता है, मोबाइल गर्म होते रहता है, बैटरी खराब होता है 1-2 साल में, और आप बोलते हैं अरे ये क्या इतनी जल्दी बैटरी कैसे खराब हो गया। इसलिए क्योंकि बैटरी को आप ओवर चार्ज करते हैं, झूठ मूठ का गर्म करते रहते हैं। तो स्टॉप चार्जिंग 80% कर दीजिए, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आप इनेबल कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको इतना फास्टेस्ट चार्जर इसके साथ मिला हुआ है, 20% मॉर्निंग में चार्ज कर लीजिए, 5-10 मिनट में तो हो जाना है 100%। अब दोस्तों बढ़ते हैं ऐसे खतरनाक सेटिंग की तरफ जो मुझे पूरा यकीन है कि आप नहीं जानते हैं। आप अपने वाईफाई में जाएंगे, इसके बाद वाईफाई असिस्टेंट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ऑटो कनेक्ट टू बेस्ट वाईफाई का ऑप्शन है, मगर आपने इनेबल ही नहीं किया हुआ है। अब बेस्ट वाईफाई में ऑटो कनेक्ट हो रहा है तो आपको क्या नुकसान है? आपको फायदा ही है, आपको बेस्ट रिसोर्सेज मिलेगा, बेस्ट डेटा स्पीड मिलेगा। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि वाईफाई नेटवर्क जो है नहीं काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली आप स्विच करना चाहेंगे मोबाइल नेटवर्क में, ताकि आप कभी भी डेटा लॉस में ना रहे और आपका मोबाइल कभी भी डिस्कनेक्ट ना हो, जिससे आप कोई भी डेटा को मिस ना करें। इसके बाद आपके रियलमी मोबाइल में कमाल का ऑप्शन मिलता है डुअल चैनल नेटवर्क सॉल्यूशन का, जो आपका ऑफ रहता है बाय डिफॉल्ट, आप उसको ऑन नहीं करते हैं। जरूर ऑन कीजिए ताकि वाईफाई मोबाइल डेटा एक साथ हो, ताकि आपको बेस्ट इंटरनेट एक्सपीरियंस मिले, फास्टेस्ट आपको डेटा स्पीड मिले। बाकी अगेन आप खुद ही समझदार हैं, इन सब को कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मोबाइल में बिल्कुल चेंजेस आ जाएगा और बिल्कुल रॉकेट की तरह फास्ट होगा आपका मोबाइल। उसके बाद आप पीछे आएंगे वाईफाई में, 3 डॉट्स के मेनू में जाएंगे, यहाँ पर आप मोर सेटिंग्स में जाएंगे और देख सकते हैं वाईफाई स्टेटस डिस्प्ले आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो जरूर आपको देखना है, क्योंकि बैंडविड्थ लेवल हमेशा देखना चाहते हैं कितना है, 2.4 GHz है, 5 GHz है, ताकि आप जाने कि आपका वाईफाई का बैंडविड्थ लेवल क्या है, स्पीड क्या है। वाईफाई वर्जन भी जानने में कोई बुराई नहीं है, 4 है 5 है 6 है, ताकि आपको हमेशा पता रहे कि आपके वाईफाई का ताकत कितना सॉलिड है, या जो भी वाईफाई से आप कनेक्ट कर रहे हैं उसका क्या ताकत है। बैक जाएंगे तो वाईफाई डेटा यूसेज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस मंथ में आपने कितना डेटा यूज किया है। और मोबाइल डेटा यूसेज देखना है तो ऊपर नीचे स्वाइप कीजिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोबाइल डेटा अगर यूसेज यहाँ दिख रहा है। अभी सिम मैंने नहीं लगाया है, नया फोन है दोस्तों, लेकिन अगर आप सिम लगाएंगे मोबाइल डेटा यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि मोबाइल डेटा आपने कितना यूज किया है। अब यहाँ पर मैं आपको ऐसा सेटिंग दिखाऊंगा दोस्तों कि आपके पैर के नीचे जमीन खसक जाएगा, आपका होश उड़ जाएगा कि ऐसा भी आपके मोबाइल में हो रहा था। और आप इसीलिए कंप्लेन करते हैं कि आपके मोबाइल का बैटरी जो है चुसाते रहता है, मोबाइल गर्म होता रहता है और आपको पता नहीं चलता है क्यों। एग्जांपल के लिए देखिए, अभी देखिए कोई भी ऐप यहाँ पर रन नहीं कर रहा है, कर रहा है तो इसको आप यहाँ से उड़ा दीजिए। इसके बाद आप रिसेंट्स में जाते हैं, इसको भी उड़ा दीजिए। अब देखिए रिसेंट्स में भी कोई ऐप नहीं है, ऊपर से नीचे नोटिफिकेशन में भी कोई ऐप नहीं है, मगर जैसे ही आप यहाँ आते हैं तो आप देखते हैं कि ये 3 लाइंस में जो है ब्लू डॉट है, यहाँ आप आते हैं तो देखते हैं एक्टिव ऐप है। अब दोस्तों कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझना कि एक्टिव ऐप का मतलब क्या है, कि ये ऐप जो है बैकग्राउंड में रन कर रहा है, यानी फोरग्राउंड में नहीं रन कर रहा है, आपको जानकारी के बिना ये बैकग्राउंड में रन कर रहा है। और जो भी ऐप बैकग्राउंड में रन करता है, आपकी जानकारी के बिना रन करता है, तो वो आपके मोबाइल का बैटरी 100% चूसेगा, आपके मोबाइल को 100% गर्म करेगा, इसमें कोई शक आपको नहीं होना चाहिए। जब भी आप 3 डॉट्स में देखें यहाँ पर एक्टिव ऐप्स है, 1 है 2 है 3 है, फटाक से उसमें जाइए और उसको फोर्सफुली स्टॉप कर दीजिए। अब देखिए आप यहाँ जाएंगे तो 3 डॉट्स के मेनू में एक्टिव ऐप गायब हो जाएगा, यानी कि अब आपका मोबाइल बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा, बैटरी बिल्कुल भी नहीं चुसाएगा और आपको बिल्कुल कंप्लेन नहीं होगा कि आपका मोबाइल क्यों गर्म होते रहता था, आपका बैटरी क्यों चुसाता रहता था, आपको दिन में 2-3 बार क्यों चार्ज करना पड़ता था। अब नहीं करना पड़ेगा, तो अगेन ये इसलिए नहीं करना पड़ रहा है दोस्तों क्योंकि आप मैजिकल टेक गुरु के सब्सक्राइबर हैं। और अभी तक आपको लग रहा हो कि ये वीडियो कमाल का है, आपको अच्छा लग रहा है, फायदेमंद लग रहा है, तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिए तमाम दोस्तों के साथ और फटाफट से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए ऐसा करने के लिए, क्योंकि ये पुण्य का काम है दोस्तों, हमेशा करते रहना चाहिए। और 1 लाख का मैजिकल टेक गुरु फैमिली को बिल्कुल बना दीजिए, क्योंकि हम लोग अभी 80,000 सब्सक्राइबर पे हैं दोस्तों, बस 20,000 सब्सक्राइबर के दरकार है और मैजिकल टेक गुरु फैमिली 1 लाख सब्सक्राइबर होने के लिए बिल्कुल बेकरार है। अब नेक्स्ट जन सेटिंग के लिए ऑब्वियसली आपको सेटिंग्स में जाना होगा, कनेक्शन शेयरिंग में जाना होगा और यहाँ पर आप देखेंगे प्रिंट का ऑप्शन है जो अगेन 24/7 ऑन रहता है। लीजिए, अगेन कोई रॉकेट साइंस नहीं समझना,
कि जो भी 24/7 रहेगा वो बैटरी चूसता रहेगा, मोबाइल को गर्म करता रहेगा। आपको इसको भी फटाक से डिसेबल कर देना, और जैसे ही इसमें भी बैक आएंगे तो आप अगेन देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे क्विक कनेक्ट का, जो इनेबल होता है अगेन 24/7। अब दोस्तों क्विकली डिस्कवर कनेक्ट करना है तो आपको 24/7 क्यों करना है, जब करना है ऑन कर लीजिए, जब नहीं करना है ऑफ रखिए, इससे आपका बैटरी तो बचता रहेगा कम से कम। अब एक और चीज है जो 24/7 आप ऑन रखते हैं, पता नहीं क्यों आपका बैटरी जो है चूसाता रहता है और आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है। लोकेशन भी देखिए हमेशा ऑन रहता है किसी किसी का, किसी को आदत होता है ऑन रखने का। अब दोस्तों अगर लोकेशन का कोई चीज यूज कर रहे हैं, जैसे कि आप मैप यूज कर रहे हैं, जोमेटो स्विगी यूज कर रहे हैं, उबर ओला यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली लोकेशन सर्विसेज ऑन रहेगा ताकि वो आपके घर आ सके। मगर जब आप नहीं यूज कर रहे हैं 24 घंटा में 20 घंटा, तो 20 घंटा क्यों ये ऑन रहता है, अननेसेसरी आपका बैटरी चूस रहा है, मोबाइल को गर्म कर रहा है। और सोने पे सुबह क्या है कि वाईफाई एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग में भी आप जाइएगा तो ये दोनों भी 24/7 इनेबल रहेगा। अब बताइए दोस्तों आप खुद ही इतना लापरवाही का काम कर रहे हैं, फिर आप बोलते हैं कि बैटरी चूसाता है, मोबाइल गर्म हो जाता है। दोनों को फटाक से डिसेबल कर देना है और बैक आके लोकेशन को भी डिसेबल कर देना है, और ऐसा करते ही आपका मोबाइल बिल्कुल मक्खन की तरह लाइट पे चलेगा, रॉकेट की तरह फास्ट हो जाएगा, ये गारंटीड है। क्योंकि जब आप अननेसेसरली इन सारी चीजों को डिसेबल कर देंगे तो ऑब्वियसली आपको मोबाइल पे तो परफॉर्मेंस पर असर होगा ही ना दोस्तों, वो बढ़िया ही होगा ऑब्वियसली बात है। अब आपको एक ऐसा सेटिंग दिखाएंगे दोस्तों जो आप फिर दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि ऐसा ऐसा चीज भी आपके मोबाइल में है, इतना छुपा कर रखा हुआ है, इसको आप यहाँ सर्च कर ही नहीं सकते हैं। सेटिंग्स में आप खोजते रह जाएंगे आपको नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर सर्च ही करना पड़ेगा, जिसमें नाम है इसका हे टैप। तो आप देख सकते हैं हे टैप क्लाउड का आपको ऑप्शन मिल जाता है, ये आप सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा, ये आपको हमेशा खोजना ही होगा टाइप करके। और जैसे ही आप इसमें आएंगे तो आप देखेंगे बैकअप में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है क्लाउड बैकअप का, जिसको आपको फटाक से डिसेबल कर देना है। क्योंकि हमेशा आपको क्यों बैकअप में रहना है, अगर आपका मोबाइल बैकअप मोड में रहेगा तो ऑब्वियसली 24/7 कभी भी बैकअप लेना चाहेगा और मोबाइल के रिसोर्सेज को ही यूज करेगा, मोबाइल को गर्म ही करेगा। अगर आपको वाकई जरूरत है तो आपको उसको मैनुअली कर लीजिए, वैसे ये मई में ऑटोमेटिकली जो है शट डाउन होने वाला है दोस्तों हे टैप क्लाउड, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मोबाइल के रिसोर्सेज को यूज करता था, बैटरी को खाता था, तो रियलमी ने इसको बंद ही करने का फैसला ले लिया है। मगर जो भी एक महीना का टाइम है उस समय तक कम से कम अपने मोबाइल को तो बचाइएगा, बैटरी को तो बचाइएगा, तो इसको फटाक से बैकअप को टर्न ऑफ कर लीजिए। अब चलिए बढ़ते हैं एक और छुपे हुए सेटिंग को देखते हैं। सेटिंग्स में जाएंगे, इसमें एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे सिस्टम सर्विसेज है जो अगेन ऑन है, और ये आपको झांसा क्या दे रहा है दोस्तों कि एनहांस कर रहा है इंटेलिजेंट सर्विसेज को, ब्ला 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 ब्ला, जिससे आपका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया हो जाएगा, लन फन देवानंद इन सब चक्करों में पड़ना ही नहीं है दोस्तों आपको। क्योंकि ये अगेन देखिए लोकेशन की इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, और क्या क्या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भेज रहा है आपको पता ही नहीं है, और भेज क्यों रहा है क्योंकि आपने ऑन किया हुआ है, तो लापरवाही आपकी तो है ही, मगर इस लापरवाही को आप बिल्कुल चुस्त दुरुस्त करेंगे इसको ऑफ करके। और अगेन मैं बोल रहा हूँ कि आपका बर्थ राइट है कि आप अपना डेटा कहीं भी नहीं भेजेंगे अपने मोबाइल में बिना आपकी जानकारी के। और एडिशनल सेटिंग्स में एक कमाल का फीचर आपको मिल जाता है स्केड्यूल पावर ऑन ऑफ का। दोस्तों क्या होता है कि रात में आप सोते हैं और बहुत लोग मुझे कंप्लेन करते हैं मेरे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कि रात में सोते हैं बैटरी 5% 10% ड्रेन हो जाता है, और उनको आश्चर्य लगता है कि ऐसा कैसे हो जाता है, रात में क्या मोबाइल करता है जो बैटरी ड्रेन हो जाता है। बिल्कुल भी नहीं करना है। आप रात में सोते हैं कितना बजे, 11 बजे 12 बजे, देखिए यहाँ पर आपको 11 12 बजे जो भी है इनेबल कर लीजिए। और नॉर्मली मैं प्रेफर करता हूँ वीकडे में करना, सैटरडे संडे को थोड़ा मोबाइल को भी मस्ती का मौका देते हैं, फिनिश कर देंगे, तो रात में आप सोएंगे 11 बजे, आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली पावर ऑफ हो जाएगा 11 बजे। अब अगले दिन आप उठते हैं कितने बजे, 6 बजे 7 बजे, जब भी उठते हैं यहाँ पर इनेबल कर लीजिए, वीकडे में ही कर लीजिए। तो अब आप रात में सोते हैं 11 बजे, आपका मोबाइल सोएगा 11 बजे, आप उठेंगे 7 बजे, आपका मोबाइल उठेगा 7 बजे, तो इससे आपका बिल्कुल 0% बैटरी ड्रेन होगा, 1% भी आपका बैटरी ड्रेन नहीं होगा, ये गारंटीड है, जरूर से इसको यूज कीजिए, मजा ही आ जाएगा। अब एक जगह और है दोस्तों जहां पर बिल्कुल छुपा कर रखा हुआ है सारा का सारा डेटा, यहाँ पर आप देख सकते हैं अबाउट डिवाइस में जाते हैं, यहाँ पर नीचे आते हैं तो आप देखते हैं एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है। अगेन इसको इंप्रूव करना है तो वो आपके मोबाइल के डेटा के कॉस्ट पे क्यों करना है, मोबाइल के परफॉर्मेंस के कॉस्ट पे क्यों करना है, मोबाइल के बैटरी के कॉस्ट पे क्यों करना है, आपकी मोबाइल के प्राइवेसी के कॉस्ट पे क्यों करना है, बिल्कुल भी आपको नहीं करने देना है। सबसे पहले तो आपको इन दोनों को डिसेबल कर देना है, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस प्रोग्राम करना है, इनको स्टेबिलिटी बढ़ाना है, तो ये अपने बलबूते बढ़ाए, आपके बलबूते नहीं। और जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा था, अगर आपको पैसे मिलते हैं तो जरूर कीजिए, मुझे तो नहीं मिलते हैं, इसलिए मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा, फटाक से बंद करूंगा मोबाइल को, अपने रॉकेट की तरफ फास्ट भगाऊंगा, मक्खन की तरह लैग फ्री करूंगा। आप अक्सर देखते होंगे कि आप जब अपने ऐप स्क्रीन में जाते हैं तो यहाँ पर दो ऐप जो है बहुत ही खतरनाक है, हॉट ऐप्स है, हॉट गेम्स है। आपको लगता है कि ये जो है ये फोल्डर है, ये फोल्डर नहीं है दोस्तों, ये भर भर के आपको गेम और ऐड देता है, ये ऐप है एक्चुअली दोनों। गलती से भी अगर आप इसमें गए और इसके चक्रव्यूह में फंसे तो आपके मोबाइल में भर भर के ब्लॉटवेयर मैलवेयर घुस जाएगा, फिर आप चुन चुन के डिलीट करते रहेंगे, मगर वो नौबत ही नहीं आने देना है। क्यों नहीं आने देना है, क्योंकि आपको इनमें से किसी पे भी लॉन्ग टैप करके रखना है और इसके सेटिंग्स में जाना है। और आप देख सकते हैं कि हॉट ऐप्स और हॉट गेम्स जो है यहाँ पर इनेबल्ड है, इसको बस डिसेबल कर देना है और आपके ऐप ड्रॉअर से ये दोनों ऐप जो है वो गायब हो जाएगा। तो आप गलती से भी मैलवेयर और ब्लॉटवेयर को इन्वाइट नहीं करेंगे कि आओ मेरे मोबाइल को बर्बाद कर दो, बिल्कुल आप बर्बादी से बच चुके हैं। मगर इसके नीचे आएंगे तो एक और कमाल का आपको ऑप्शन मिल जाता है प्राइवेसी सेटिंग्स में जाने का, एड्स एंड रिकमेंडेशन का। अब अगेन देखिए दोस्तों, आप पर्सनलाइज एडवर्टाइजिंग को इनेबल किए हुए हैं, यानी कि वो तो आपको ऐड भेजेगा ही, वो आपको हर चीज भेजेगा, और आप बोलेंगे कि वो ऐड भेजता है, क्यों भेजता है, आपको मोबाइल में इतना ऐड आता है,
आप कंप्लेन 50 मोबाइल को कर लें मगर वो आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा है, आप इसको डिसेबल करेंगे तभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आपके मोबाइल में अननेसेसरी एड्स आए, किसी भी तरह का आपको मोबाइल को रिसोर्सेज को यूज करें, मोबाइल को गर्म करें, बैटरी को चूसे, तो फटाक से इन सबको डिसेबल कर देना है। अब बढ़ते हैं कुछ ऐसे सेटिंग की तरफ जो बहुत लाइट सेटिंग है मगर अगर आप कर लेंगे तो आपका बैटरी पर असर होगा, ये गारंटीड है। असर इन द सेंस बढ़िया असर होगा। सेटिंग्स में नीचे आएंगे, डिस्प्ले ब्राइटनेस में जाएंगे, तो सबसे पहला चीज तो ये कि अगर आप डार्क मोड यूज करते हैं तो ऑब्वियसली आपको बैटरी बचता है, तो ज्यादा से ज्यादा आप ट्राई करें कि डार्क मोड में रहने का। अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूं तो लाइट मोड में ही रहूंगा। इसके बाद अगर आपका ऑटो ब्राइटनेस हमेशा ऑन रहता है तो यहां पर एक सेंसर है दोस्तों जो ब्राइटनेस को सेंस करते रहता है, तो आपको 24/7 ब्राइटनेस अगर सेंस करता रहेगा तो ऑब्वियसली बैटरी ही खाएगा, बैटरी ही गर्म करेगा, मोबाइल गर्म करेगा। तो अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो ऑटो ब्राइटनेस को ऑन रखिए, नहीं जाते हैं तो यहां से इसको ऑफ कर दीजिए, क्योंकि घर के अंदर आपको ऑटो ब्राइटनेस का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप जितना ही ब्राइटनेस रखना चाहते हैं 50% 40% वो बिल्कुल सफिशियंट है। वीडियो बना रहा हूं इसलिए मैंने 100% रखा, वरना मैं भी 40-50% ही रखता हूं। इसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे वीडियो कलर बूस्ट है जो अगेन ऑन होगा। ऑब्वियसली ये बिल्कुल सैचुरेटेड कलर आपको देता है, चटक कलर देता है, बढ़िया तो लगता है देखने में, वो बैटरी बहुत खाता है। तो जब आप कोई कंटेंट देख रहे हो वीडियो का तो जरूर इसको इनेबल कर लीजिए, नहीं देख रहे हैं तो डिसेबल करके रखिए। अगेन आप कंटेंट क्या देखते हैं, 1 घंटा 2 घंटा, बाकी 22 घंटा तो नहीं देखते ना, तो 22 घंटा बैटरी बचाइए 2 घंटा के लिए, बस मैनुअली इसको ऑन कर लीजिए, मैनुअली इसको ऑफ कर दीजिए। अब कुछ सेटिंग और भी छुपा हुआ है जो आपको कहां देखना है, तो लॉन्ग टैप करके रखना है, यहां पर आपको मोड में जाना है होम स्क्रीन के सेटिंग्स में, और यहां पे कुछ फीचर है जो आपको इनेबल करके रखना है, जैसे डबल टैप टू लॉक, इसको आपको जरूर से इनेबल करके रखना है। इसके बाद आप देख सकते हैं ऐप स्टार्टअप क्लोजिंग एनिमेशन है, ये फास्ट अगर है तो आपको मीडियम कर लेना है, क्योंकि फास्ट और मीडियम में फर्क बहुत ज्यादा नहीं है मगर बैटरी पे बहुत ज्यादा असर होता है। इसके बाद अगेन नीचे आएंगे तो ग्लांस फॉर रियलमी है, जिसको आपको जरूर से डिसेबल करके रखना है, खासकर ये मोबाइल डेटा पे अपडेट तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपका डेटा जो है ना बिल्कुल चूस के बर्बाद कर देगा। अब देखिए एकदम हाई डेफिनेशन का ये आपको वॉलपेपर देता है दोस्तों लॉक स्क्रीन में, जिसका आपको शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका बैटरी बहुत खाता है, मोबाइल को गर्म करता है, रिसोर्सेज को यूज करता है। तो मेरा रिकमेंडेशन हमेशा ये होता है कि ग्लांस को हमेशा ऑफ ही करके रखिए और अपने मोबाइल के बैटरी को बचाइए, मोबाइल को गर्म होने से बचाइए। इसके बाद आप देख सकते हैं रेस टू वेक, डबल टैप, ये सब इनेबल करके तो आपको रखना ही चाहिए, ताकि आप हैंडी बिल्कुल यूज कर सके, बैटरी भी इससे बचता है, क्योंकि बार बार अगर आप बटन यूज करेंगे तो बैटरी ज्यादा खाता है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो पॉकेट मिस्टर्स प्रिवेंशन, इसको जरूर से इनेबल करके रखिए, ताकि आपका प्राइवेसी हमेशा इंटैक्ट रहे। आपका मोबाइल अगर पॉकेट में है या बैग में है, गलती से कुछ टच ना हो जाए, गलती से कोई मैसेज ना चला जाए, गलती से कोई एम्बैरेसमेंट वाला काम ना हो जाए, तो जरूर इसको ऑन करके रखिए, इस तरह का गलती नहीं होगा बाय डिफॉल्ट। इसके बाद नीचे रिसेंट टास्क मैनेजर में आएंगे तो पहला चीज तो ये है कि डिस्प्ले रैम इन्फॉर्मेशन को इनेबल कर दीजिए। फायदा क्या होगा, रिसेंट में आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका कितना रैम बचा हुआ है, टोटल कितना रैम है, 8GB+8GB, रैम बूस्टर है, रैम प्लस है 8GB और 8GB आपका इंटरनल रैम है। ये इनेबल कैसे करते हैं रैम बूस्टर, तो अबाउट फोन में आप जाकर कर सकते हैं रैम के सेक्शन में। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अनलॉक्ड ऐप है, अगर आप मान लीजिए ऐसा चाहते हैं कि जब भी आप रिसेंट से ऐप को उड़ाएं तो वो ऐप ना उड़े, ताकि आप बार बार उस ऐप को यूज कर सके, क्योंकि ऐप को ज्यादा आप उड़ाते हैं दोस्तों अगर क्लोज करते हैं तो वो भी आपका बैटरी ज्यादा खाता है, रैम का ज्यादा यूज करता है। आपको लगता है कि नहीं, आप जो है कोई एक ऐसा ऐप है जो हमेशा यूज करते हैं, एग्जाम्पल के लिए क्लॉक ऐप, तो आप इसको इनेबल कर देंगे। बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लॉक्ड में आ जाएगा क्लॉक, अनलॉक्ड में आ जाएगा एयरटेल और जो इतना भी ऐप है। अब ये काम कैसे करता है तो इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्लॉक ऐप को ओपन कर लेते हैं। अब हम लोग रिसेंट में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्रोम ऐप खुला हुआ है, क्लॉक ऐप खुला हुआ है। अब क्लोज ऑल करेंगे तो क्या होगा कि क्लॉक ऐप क्लोज नहीं होगा, क्रोम क्लोज हो जाएगा, क्योंकि क्लॉक को आपने लॉक किया हुआ है, क्रोम को आपने लॉक नहीं किया है। तो देखिए क्लोज ऑल करेंगे, देखिए क्रोम गायब हो गया मगर क्लॉक ऐप जो है वो इंटैक्ट रहा। और बिलीव कीजिए दोस्तों ये आपका बैटरी बहुत बचाता है। वैसे एक प्राइवेसी का फीचर और है जिसको आपको जरूर से जाना चाहिए। एग्जांपल के लिए आप क्रोम ऐप देख रहे हैं और आप यहाँ पर प्ले स्टोर देख रहे हैं और आपको लगता है कि ताक झांक करके कोई आपके डेटा को देखना चाह रहा है और आप चाहते हैं कि आपके प्ले स्टोर का कंटेंट कोई ताक झांक करके ना देख सके, तो आप क्या करेंगे उसके लिए? तो 3 lines के मेन्यू में जाएंगे, रिसेंट्स में यहाँ पर 3 dots में जाएंगे, हाइड कंटेंट कर देंगे। देखिए कंटेंट हाइड हो जाता है। अब रिसेंट्स में आप देख सकते हैं क्रोम तो दिख रहा है मगर प्ले स्टोर नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से कोई भी बैंकिंग ऐप हो, कोई भी व्हाट्सएप का हो, कोई भी इंस्टाग्राम का हो, आप नहीं चाहते हैं कोई ताक झांक करके आपके रिसेंट से देखे, तो यहाँ पर हाइड कंटेंट कर दीजिए, कोई भी नहीं देख पाएगा। मगर हाँ, उड़ाना हो तो आप आराम से ऐसे मजे से उड़ा सकते हैं, मजा आता है इस तरह से उड़ाने में। अब बढ़ते हैं एक और कमाल के हिडन सेटिंग की तरफ जो आपका बैटरी बचाएगा, मोबाइल के परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा और बिल्कुल प्राइवेसी को इंटैक्ट रखेगा। आप सेटिंग्स में जाएंगे, एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे, सबसे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको डेवलपर ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो बाय डिफॉल्ट ऑन तो नहीं होता है, ऑन करना पड़ता है। और इसका सबूत यह है कि आप अपने मोबाइल में देख रहे होंगे आपके मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं दिखेगा दोस्तों, क्योंकि ये एक हिडन ऑप्शन होता है जिसको इनेबल करना पड़ता है। अब क्वेश्चन ही उठता है दोस्तों कि आप इनेबल कैसे करेंगे अगर आपको अभी नहीं दिख रहा है डेवलपर ऑप्शन रियलमी मोबाइल में। तो ऑब्वियसली आपको अपने सेटिंग्स में जाना है, अबाउट डिवाइस में जाना है, वर्जन में जाना है और वर्जन नंबर पर मल्टीपल टैप करना है 7-8 बार। उसके बाद ये आपसे पैटर्न मांगेगा, फिंगरप्रिंट मांगेगा, उसके बाद वो बोल देगा कि यू आर नाउ अ डेवलपर। उसके बाद आपको सेटिंग्स के एडिशनल सेटिंग्स में आना है, डेवलपर ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख जाएगा जैसा मेरा अभी दिख रहा है। इसमें पहला चीज तो ये है कि आपको मेमोरी में जाना है और देखना है कि आपका मेमोरी जो है कितना यूज हो रहा है, टोटल मेमोरी कितना है और एवरेज मेमोरी कितना यूज हो रहा है और कौन सा ऐप है जो आपका मेमोरी यूज कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे बेस्ट अप्रोच ये है कि यहाँ पर आप जाइए और देखिए कि एक दिन में कौन
कौन ऐप है जो सबसे ज्यादा आपका मेमोरी यूज कर रहा है, और अगर आपको लगता है कि वो ऐप गलत तरीके से मेमोरी यूज कर रहा है तो फटाक से उस ऐप को उड़ा दीजिए, डिलीट कर दीजिए, क्योंकि कोई भी ऐप गलत तरीके से आपका ऐप का मेमोरी यूज नहीं कर सकता है, मोबाइल का मेमोरी यूज नहीं कर सकता है, बहुत ही खतरनाक है। इसके बाद डेवलपर ऑप्शन में आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक कमाल का ऑप्शन मिल जाता है शो रिफ्रेश रेट का, बस यहाँ से इनेबल कर देना है। तो देखिए अभी 120 हर्ट्ज में मेरा जो मोबाइल है वो काम कर रहा है, इसलिए 120 दिखा रहा है। अगर आपने अपने मोबाइल में ऑटो रिफ्रेश रेट रखा है तो यहाँ पर आप देखेंगे कभी 60 हो जाएगा, कभी 90 हो जाएगा, कभी 30 हो जाएगा, कभी 120 हो जाएगा, यानी कि ये आपको बताता रहेगा कि आपके मोबाइल में करंट रिफ्रेश रेट क्या है। और जैसे कि मैं आपको बताता था, देखिए यहाँ पर 60 हर्ट्ज हो गया है, अब जैसे ही मैं कुछ भी मूवमेंट करूंगा देखिए 120 हर्ट्ज हो जाएगा, फिर से आप देखिए यहाँ पर 60 हो गया, फिर से मैं कुछ करूंगा तो देखिए 120 हो जाएगा, 90 हर्ट्ज भी होगा अगर आप गौर करेंगे तो, कभी 90 होगा, कभी 120 होगा। मगर ये कमाल का चीज नहीं दोस्तों, कमाल का चीज है कि आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आपको एक बहुत ही कमाल का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है एनिमेशन स्केल का, विंडो एनिमेशन स्केल है, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल है और एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल है। अब बाय डिफॉल्ट आप देखते हैं कि ये 1x होता है, इसको आपको फटाक से जाके 0.5x कर देना है, इसको भी आपको 0.5x कर देना है और इसको भी आपको 0.5x कर देना है। अब फायदा क्या होगा दोस्तों 0.5x करने से 1x से, तो आपका मोबाइल का बैटरी बैकअप अगर है एक दिन तो वो बढ़कर हो जाएगा 1.5 दिन, क्योंकि ये एनिमेशन स्केल जो है बहुत ज्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। तो अगर आपको चाहती है एक दिन से बढ़कर 2 दिन करना है तो आप इसको स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, मगर ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि नया फोन है दोस्तों, थोड़ा सा मजा तो लीजिए फोन का। एक दिन से 1.5 दिन भी बैटरी बैकअप हो गया तो ये भी क्या कम बात है, कम से कम आपको इसलिए खुश होना चाहिए कि आपको बार बार बैटरी चार्ज करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए, थोड़ा पुण्य और कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए ताकि हम जब भी ऐसे ऐसे मजेदार और नॉलेजफुल वीडियोस लाते हैं आपको सबसे पहले पता चल सके। और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर बताइए कि आपको ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते हैं कि कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर आपको सबसे बढ़िया लगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, हमेशा की तरह जय हिंद जय भारत।